हेलो लेडीज, स्वागत है आपका कीवी स्टिचिंग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्तर की लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। आपको अपने लेंथ के हिसाब से लहंगे की लेंथ कम कर देनी है और कमर को भी फिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कट करते हैं। अस्तर के ऊपर लहंगे के घेर को डबल करके रख के हमें नाप लेना है कि कितना हमें अस्तर चाहिए, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना इस तरह से और ऊपर से कॉर्नर पकड़ के सेंटर में ले आना है दूसरे कॉर्नर को। तिरछे फैब्रिक को अब कट कर लेना है। अभी कट हो गया है, अभी इन दोनों को बराबर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। तिरछी साइड को अब जॉइंट कर लेंगे दोनों को। अब जॉइंट हो गया है, इनके ऊपर अब लहंगे को फिक्स कर दी। लहंगे के दोनों कॉर्नरों को फोल्ड कर लेना है, फिर हम इसकी स्टिचिंग करके बताएंगे। बीच वाली कली में बराबर दोनों को दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। अब हम लहंगे की स्टिचिंग करते हैं, जो बीच वाली कली से शुरू होगा इसके ऊपर इस तरह से हमें धागा लगाना है आराम आराम से। और अस्तर का नीचे बिल्कुल ध्यान रखना है, और जो हमारे बीच में नगीने आ रहे हैं उन्हें हमें निकाल देना है। नहीं निकालेंगे तो इससे हमारी सुई भी टूट सकती है, इस तरह से निकाल देना आप। फिर हल्के हल्के हाथ से इस तरह से ऊपर धागा लगाना है, ऐसे ही लगाना जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक लगाना है। अब ऐसे ही हमें सारी कलियों पे भी लगाना है, तो अब एक और कली में आपको बता देती हूँ। लहंगे में हमेशा 10 या 12 कलियाँ होती हैं, तो उनमें इसी तरह से ही धागा लगाते हैं। और हमें इसे अस्तर का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, अस्तर नीचे से डबल हो जाए तो लहंगा अच्छा नहीं बनेगा, और इसे आराम आराम से ही बनाना होता है। जैसे मैंने बनाया हो उसे ही आप इस तरह से ही बनाना, लहंगा बहुत ही अच्छा बनेगा और लुक बहुत ही शानदार आएगा इसमें। ऐसे ही आप सारी कलियों पे स्टिचिंग कर देना। मैंने सारे पे कर लिए, और जो अब नीचे की जो ओरे भी वाली साइड है उस पे इसे धागा लगाना है। घेरे को अच्छे से जमा के इसे ऊपर लगाना है। मैंने अब पूरे में लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। अब हमें कमर को फिक्स करना है, तो उसके लिए मैंने 32 इंच लंबी फैब्रिक पट्टी ली है और 4 इंच चौड़ाई में ली है। दोनों के कॉर्नरों को ऐसे फोल्ड करके उनके ऊपर टांका लगाना है इस तरह से। लहंगे के ऊपर अब हमें फिक्स करना है। लहंगे को सीधा रखना है और जो फैब्रिक पट्टी है उसे उल्टा रखना है। उल्टा रख के हम इस तरह से ऊपर से धागा लगाएंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इसे हल्के हाथ से आराम आराम से ही लगाना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वे भी आसान सी ट्रिक देख सके। राजपूती पोशाक का ये लहंगा बनने के बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, तो इस तरह से इसे अब फोल्ड करके इसके ऊपर भी ऐसे ही धागा लगाना है। आप ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ, अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर के कॉर्नर में से धागा लगाना है। लहंगे के दोनों कॉर्नरों को अटैच करते हुए 5 इंच को ऊपर से छोड़ देंगे, और फिर नीचे से हम धागा लगाना शुरू करेंगे। ऐसे धागा लगाना, दोनों को बराबर फिक्स करके ऊपर और नीचे के वाले को। अब मैंने पूरा लगा लिया लहंगे में धागा। अब हमारा राजपूती पोशाक का लहंगा बन के तैयार हो गया है। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।